बड़ा टूर्नामेंट है, हम सभी सहभागी बने, क्या यादगार पल है, बेहतरीन पल है ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार दृश्य, बेहतरीन दृश्य, ये यादें जो कि हमेशा हमेशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। निश्चित ही है जो कैमरे में जो कैद हो जाता है एक ना एक बार, तो निश्चित ही उम्र जीवन पर्यंत कभी ना भुला जाने वाले पल होते हैं। उन्हीं में से ये पल आपके हमारे बीच में दोनों टीमों का उत्साह वर्धन करते हुए हमारे अपने गांव की मात्र शक्तियां जहाँ के सीएम राज कुमार पानी वर्सेस कपूरखेड़ा के मध्य ये मुकाबला होना है और सामने बेहतरीन ड्रेस पर यहाँ पर हमें खिलाड़ीगण सहयोग देते हुए निवारी की समस्त आयोजन समिति के सम्मान्य मेंबर्स जिन्होंने यादगार दसरे पल को यहाँ पर धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित समस्त इस आयोजक समिति को बार बार हृदय से स्वागत करते हुए पहली सर्विस सीएम राइज खबर पानी की तरफ से शानदार सर्विस करते हुए आठ नंबर और बहुत ही शानदार कैच कर लिया है। अब पहला पॉइंट मिला हुआ है कपूरखेड़ा को अपना खाता खोलते हुए पहली सर्विस लेकर के कपूरखेड़ा नंबर पांच शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत लाने के लिए दोनों टीम आतुर। काफी अच्छा सुहाना मौसम और इस मौसम में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सभी ग्रामवासियों के माध्यम से और समस्त खेल प्रेमियों के माध्यम से और हमारी आयोजक समिति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम जो किया जाता है वे सभी आयोजक और हमारे समिति के सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सभी के सहयोग से ही ये काम किया जाता है और इस काम को बखूबी समस्त ग्रामवासी और सभी कबड्डी खेल प्रेमी समिति और दर्शक के माध्यम से ये छोटी छोटी बालिकाएं आज इस निवारी के ग्राउंड पर हैं और इस निवारी के ग्राउंड पर एक और कपूरखेड़ा को पॉइंट मिलता हुआ और ये दूसरा पॉइंट प्राप्त कर लिया कपूरखेड़ा ने। बहुत ही शानदार टेकल और अगली बार फिर सर्विस रात्रि के 11:30 बजने के बाद भी लगातार दर्शकों का हुजूम यहाँ पर और एक फाइट से एक पॉइंट आठ नंबर की जर्सी कपूरखेड़ा को प्राप्त करते हुए और तीसरा पॉइंट कपूरखेड़ा ने प्राप्त कर लिया है। अगली सर्विस सीएम राय कुमार पॉइंट और इस बार फिर से सीएम राइज की सर्विस है, क्या कर पाते हैं सीएम राइज के खिलाड़ी और खेल लिए गए लेकिन पॉइंट मिलेगा और ये बाहर सीएम राइज के खिलाड़ी एक और पॉइंट कपूरखेड़ा। अगली सर्विस कपूरखेड़ा की सजी धजी कपूरखेड़ा की टीम काफी अच्छा मैच खेलती है कपूरखेड़ा की और इस बार तीन खिलाड़ी सीएम राइज के उपस्थित हैं ग्राउंड पर। अगली सर्विस सीएम राइज कुमार पानी और चार मैचेस बचे हुए हैं पहले हाफ समाप्त होने के लिए। सबसी नंबर पांच जर्सी पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मौजूद कम उम्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती हुई आगे चल के कबड्डी ये खेल सीख रही है और शानदार प्रयास करते हुए एक बार फिर पकड़ी गई तरफ एक पॉइंट मिलता हुआ कपूरखेड़ा। दो खिलाड़ी अभी मौजूद सीएम राइज खबर पाने की तो टच करने की कोशिश और इस बार फिर से और पॉइंट मिला है इस बार कपूरखेड़ा को चार पॉइंट ऑल आउट हो गई सीएम राइज खबर पानी रेड रेड सीएम राइज खबर पानी प्रीति नंबर छह सर्विस लेकर के कपूरखेड़ा के विरुद्ध
काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में काफी अच्छा प्रयास करते हुए दोनों टीमें अपनी अपनी जीत की अपनी टीम के लिए जीत की कोशिश करते हुए अगली सर्विस कपूर खेड़ा काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ इसके बाद एक शानदार मुकाबला फाइनल का और ये इसमें से जो टीम जीतेगी वो पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के साथ में फाइनल मुकाबला होगा। लास्ट टू मिनट से तीन या चार रेड होगी। एक बार फिर से मोर्चा संभाला है प्रीति ने नंबर छह की जर्सी से अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करती हुई लेफ्ट कॉर्नर से लेकिन खाली रेड। कपूर खेड़ा की अगली सर्विस दोनों टीमें तैयार हो जाए फाइनल। और अच्छी कैचिंग कोशिश और इस बार अपनी टीम का खाता खोलते हुए सीएम राइज हमार पाए थर्ड रेड। इस रेड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस बार देखना है दो तीन दो अच्छी कोशिश प्रीति की तीसरी कोशिश में तीसरे अटेम्प्ट में पांच दो खिलाड़ी को आउट करके बाहर किया कपूर खेला की टीम को खिलाड़ियों को और इस बार थोड़ा पैर स्लिप होता हुआ लेकिन संभली। अगली सर्विस बहुत ही शानदार सर्विस सोची समझी क्योंकि इसके पहले दो खिलाड़ी को आउट करके लेके आई थी सीएम राइज की खिलाड़ी प्रीति ने। अब देखते हैं कपूर खेड़ा नंबर पांच लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। अगली सर्विस प्रीति एक बार फिर से पिछली सर्विस में दो खिलाड़ी को आउट किया था इस बार देखना है कितने खिलाड़ी सिर्फ चार खिलाड़ी हैं ग्राउंड पर इसमें से एक दो अगर और चले गए तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी कपूर खेड़ा कोशिश अच्छी है और इस बार खाली और ये समय समाप्त हुआ फर्स्ट हाफ। सर्विस कपूर खेड़ा की नंबर सात सर्विस लेकर के सीएम राइज की तरफ अच्छी कोशिश करते हुए तरोताजगी करते हुए नंबर की जर्सी में और हम पुराने का प्रयास किया था अच्छी बढ़त बनाई हुई है कपूर खेड़ा रानी दुर्गावती ने। एक बार फिर से सीएम राइज कुमार पानी सर्विस लेकर के कपूर खेड़ा की तरफ अभी शेष चार खिलाड़ी को आउट करना बाकी है अगर सीएम राइज कर लेती तो ऑल आउट हो जाएगी कपूर खेड़ा लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी सीएम राइज कुमार पानी को। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ बिल्कुल आप सुन रहे हैं लाइव देखा हुआ साल देखा हुआ ये मैच आकाशवाणी के ऊलावाड़ी केंद्र से 90.2 5 सेकंड के अंतर्गत चैनल फैसा हुआ है अपने मोबाइल पर इसको ट्यून कर सकते हैं नंबर है 973। अच्छी कोशिश घेरने की प्रीति को इस बार बहुत ही शानदार तरीके से कैच करते हुए प्रीति को और इस बार सफल होते हुए कपूर खेड़ा की टीम नंबर पांच कपूर खेड़ा से ऐसा लग रहा है कि अगला जो फाइनल मुकाबला होगा पीजी कॉलेज के साथ कपूर खेड़ा का ही हो सकता है क्या कहेंगे आप। बिल्कुल अभी जो आसार देखने के लिए आ रहे हैं और जो मैच भी चल रहा है रानी दुर्गावती कपूर खेड़ा बहुत ही अच्छा और उसके प्रदर्शन को देखकर बिल्कुल ऐसे आकाश लगाए जा सकते हैं कि फाइनल जो होगा वह रानी दुर्गावती
कपुरखेड़ा विरुद्ध पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के मध्य हो गई। ये देखिए एक और शानदार पकड़ कपुरखेड़ा ने दिखाई, लगातार अपनी बढ़त को बनाते हुए और पिछड़ती हुई दूसरी ओर सेमराइज की तरफ से एक बालिका है नंबर पांच पर तृप्ति, जो कि शानदार अपनी नहीं चला है होता है। हाँ काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ और एक पॉइंट फिर से इस बार कपूर खेला को मिलता हुआ। आकाशवाणी में नहीं का जब कभी बीच बीच में आ रहा है हवा के रूप में, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो चुका है, लेकिन खिलाड़ियों का जोश और जुनून इतना गर्म है। ऑल आउट होती हुई यहाँ पर सेम राइस, फिर से सेम राइस कुमार पानी ऑल आउट एक बार फिर से, और कपूर खेला रानी दुर्गापति लगातार अपने अंकों में एक झापा करते हुए तक किया जा रहा है। और इसके बाद फाइनल की जो टीमें हैं वो वाइस बॉयज कबड्डी का फाइनल तैयार हो जाए, दोनों टीमें फाइनल के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाए। घाटकांटा वर्सेस जमनिया, आप तैयार हो जाए और दोनों कोर्ट के बाहर आ जाए दोनों टीमें, फाइनल मुकाबला है। समय न ली, दोनों टीमों से निवेदन है कि कृपया आप लोग तैयार होकर के कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएं। सभी खिलाड़ियों से जो खिलाड़ी इधर उधर घूम रहे हैं घाट कामटा के और जमनियों के, उनसे निवेदन है कि कृपया आप तैयार होकर के कोर्ट के पास आ जाएं। इसके मैच समाप्ति के तुरंत बाद फाइनल मुकाबला होना है और एक और पॉइंट प्राप्त करती हुई कपूरखेड़ा की टीम और सर्विस पर एक बार फिर कपूरखेड़ा। कम से कम 25 से 30 कोच भरे हुए हैं सेम राइज कुमार पानी के पीछे लगातार कोचिंग करते हुए। और हमारे मां साहब हैं श्रीमान आदरणीय पूजनीय श्री श्री, और अभी खमार पानी में रह रहे हैं और फिलहाल अभी यहां पर बैठे हुए निवारी में दोनों की दोनों ही टीम की तरफ से 100 में कुछ नहीं होता 200 निकाल। अरे जहाँ का माल खा रहा है वहां देना भी चाहिए, एक और दे 100 की, दोनों टीम को देना है 100-100 की। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाकर स्वागत करें लालू प्रसाद यादव जी का। इनके खेल के प्रदर्शन से प्रभावित होकर के दोनों टीम को प्रदान किया जाएगा, बहुत ही अच्छा खेल। बॉयज समय में काम कटौती होगी, घाटकांटा वर्सेस जमुनिया 3 मिनट का ही फाइनल होगा। फिर अभी तक आप लोग आए नहीं हैं, फाइनल मुकाबला जल्दी से जाएं। कबड्डी टीम के कप्तान सीएम राइस खमार पानी और रानी दुर्गावती कपूरखेड़ा।